हेलो आया, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन स्टोरी टाइम वे जी, एंड आल्सो वार्म वेलकम विंटर। जी हाँ, विंटर स्टार्ट हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना हम भी वार्म वेलकम करें विंटर को, क्योंकि विंटर जो है बहुत ही मज़े का सीज़न होता है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में सारे सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। तो विंटर जो है ना, मेरा तो फेवरेट सीज़न है। तो आपको पता ही है, विंटर के स्टार्ट होते ही सबसे पहले तो भैया आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होता है, ठीक है। जैसे विंटर स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको ठंड लगने का खतरा होते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपने अच्छे से अपने आप को वार्म अप रखना है, अपने जो है ना गर्म कपड़े पहनने हैं। स्पेशली आप लोग जब बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अपने हेड को कवर करें, अपने ईयर्स को कवर करें, ताकि आप लोग बीमार ना हो, तभी आप लोग विंटर एंजॉय कर सकते हैं ना। तो अच्छे से अपने ड्रेसेस पहने विंटर के, ताकि आप लोग सेफ रहें। उसके बाद आ जाते हैं विंटर की फूड्स, हैं विंटर के फूड्स भी होती हैं बहुत ही मज़े के। आपको पता है फ्रूट्स है, सबसे पहले तो देखें जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जो ऑलमोस्ट बहुत से फ्रूट्स हैं ना, हमें बहुत वाफर मकदार में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे टेस्ट के साथ मिलते हैं, है ना। ऐसे ही है ना, जैसे समर में मैंगो होता है, ऐसे विंटर में ऑरेंज है, और ऑरेंज तो जो है ना पाकिस्तान में बहुत अच्छी किस्म का ऑरेंज जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आपको पता है ये जो स्पेशली दो डिशेज़ हैं ना, ये देखें, ये है स्वीट पोटैटो शकरकंदी, और ये सिंघाड़े जिनको बोलते हैं वाटर चेस्टनट, ठीक है। ये दोनों स्पेशली विंटर के हैं, और आमतौर पे ना जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने शौक से ये नहीं खाते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं, इनमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। और स्पेशली जो है ना सिंघाड़े, वाटर चेस्टनट, ये तो मुझे ऐसे लगता है इनके ना साथ एलमंड्स का टेस्ट आ रहा होता है, ऐसे खाए ना तो फिर खाते चले जाते हैं। खाते हैं आप लोग? और गरम गरम, और ये जो स्वीट पोटैटो होती है ना, ये भी इनमें कैल्शियम भी होता है, विटामिन्स तो होते ही होते हैं, और इसके अलावा जी, और ये जो होते हैं ना जॉइंट्स वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। शुगर पेशेंट्स को ज़रा स्वीट पोटैटो से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बाकी हम लोग तो सब खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी, एग जो है, जो कि हर जो है हर बच्चे को भी पसंद होता है, हर सीज़न में खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में जो बॉयल एग है ना, उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो जो बच्चे एग नहीं ना खाते हैं, तो उनके लिए भी भाई स्पेशली है कि एग ज़रूर खाया करें, क्योंकि एग में होती है प्रोटीन, ठीक है ना। खाती है ना एग? नहीं खाती हबीबा, पता चल गया, ज़्यादा नहीं खाती। आप बॉयल ले लिया करें, बॉयल एग जी। तो उसके अलावा फिर हमारे पास सैलड्स आ जाते हैं जी। कैरेट जो है, कैरेट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जो कैरेट है वो बहुत अच्छी होती है, आपको पता है, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपका ब्लड बनाती है, और सैलड की जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सैलड तो आपको हर हाल में खाना चाहिए, सैलड तो हमें समर विंटर हर तरह के वेदर में जो है ना वो मिलता है, और हमें खाना भी चाहिए होता है जी। तो सबसे जो स्पेशल चीज़ है विंटर की, ड्राई फ्रूट्स, वो तो होते हैं बहुत ही मज़े के। और फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली आप लोग ग्रोइंग एज में होती है ना, तो आपको ड्राई फ्रूट्स खाने होते हैं ज़्यादा ज़्यादा। और ये जो ये है ना आपका वॉलनट, ये तो बिल्कुल आपके ब्रेन जैसा है रोहान, ये देखें, ये तो बिल्कुल ब्रेन जैसा आपके, और ये आपके ब्रेन को करता है बहुत एक्टिव, ताकि आपको जल्दी जल्दी आपके जो लेसन है ना वो लर्न हो जाए करें। तो आप लोग वॉलनट ज़रूर लिया करें। तो विंटर की ना और भी बहुत सी मज़े की चीज़ें होती हैं, सूप होता है, और बारबेक्यू होते हैं, और होता है बॉन फायर से तो बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह हम रखेंगे बॉन फायर भी, ठीक है ना। थोड़ी सी ज़रा और चिल वाली सर्दी आ जाए ना। ड्राई फ्रूट से मुझे याद आया कि रात के वक्त ना कोयल के अंदर घुस के पीनट खाने का जो है ना वो अपने ही मज़ा होता है ना, है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही होते हैं ना। विंटर में पीनट खाते हुए रात को ना स्टोरी बुक्स कोशिश किया करें, पढ़ा करें। पहले तो आपको पता है ना, आपकी ग्रैंड माँ जो होती है, नानी अम्मा, दादी अम्मा, वो तो वो स्टोरी सुनाती होती हैं, ठीक है। और
अब ये कि आप लोग कोशिश क्या करें, बड़े हो गए ना, थोड़ी सी खुद भी बुक रीडिंग किया करें रात के वक्त, ठीक है। और जी इसके अलावा जी विंटर में हम बहुत सी मज़े मज़े के गेम्स भी खेल सकते हैं। अभी तो वेदर बहुत अच्छा है, सनी डे है, बट जब जब ज़्यादा ठंड होगी ना तो फिर हमें इंडोर गेम्स खेलनी होती हैं, फिर हम ज़रा बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं। तो आज हम बहुत सी खेलने जा रहे हैं मज़े की इंडोर गेम्स। तो फ्रेंड्स पहले हम थोड़ा सा ज़रा खाना पीना तो इन्जॉय कर लें, फिर हम करेंगे गेम्स भी, और हम बहुत मज़ा करने जा रहे हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. जी तो फ्रेंड्स गेम हमारी हो गई स्टार्ट। मेरा और तहसीन है, और ये देखें जी ये हमारे ग्रीन्स हैं, इसमें वाइट चने और ब्लैक चने हैं, और ये देखें एक में डालने हैं आपने ब्लैक और एक में डालने हैं वाइट, ठीक है। अब देखते हैं जी उसमें एक वाइट भी जा रहे हैं आपके। बोल रेस्ट या नो आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लेफ्ट आई एम फॉर फ्री वी विल गो ऑन यू वेस्टलैंड्स टू द हाउस जी। आज ये फ्रेंड्स दोनों ने की बहुत मेहनत। 2 5 6 7 8 9 10 11 और 2 नहीं गिर गया। सो जी तहसीन इज द विनर। मीरा ने भी बहुत बहुत अच्छी एफर्ट की थी। चलें जी फ्रेंड्स अब हसान के साथ आज होने जा रही है खाला की गेम। चलें कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्यों तो खाला तो है बड़ी बट हसान है छोटे, तो इसलिए सिर्फ अपने एक ही बाउल में जो थे वो चने डाले, इन्होंने अलग अलग नहीं किए, इसलिए इनका कॉम्पिटिशन हो गया ड्रॉ। Another game is going to be start. जी तो फ्रेंड देखें ये क्या गेम है, आप खुद ही देखें जरा। चलो जी अनीता इज द विनर।